नेहरू नेहरू हॉस्पिटल में, ठीक है सर। तो यहाँ पे वहाँ मिर्जापुर के डॉक्टर रिफर करके बोले थे कि आज की डेट में इनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, जरूरी था। तो यहाँ के डॉक्टर टालते गए, मतलब ऑपरेशन किसी ना किसी बहाने से ऑपरेशन टालते गए। और उस दिन शुक्रवार था और शनिवार को भी ऑपरेशन नहीं हुआ था, और संडे तो बंद रहता ही है। उसके वजह से सिटी स्कैन का रिपोर्ट भी नहीं आया था और जल्दी मिल भी नहीं रहा था। अगर सिटी स्कैन का रिपोर्ट मिल भी गया तो उसके बाद भी जल्दी से एक्शन नहीं लिया गया। ये हुआ कि हमारे साथ कि सुबह ऑपरेशन करेंगे, सुबह भी लेट करके रात में किया ऑपरेशन, जिस वजह से मरीज की हालत खराब होती गई। जब ऑपरेशन ओ टी में उनको ले जाया गया, उनका कहना है हमारे सिस्टर का कि ओ टी में जब वो होश में आई, कहा गया था कि 24 घंटे में होश आएगा, उसके पहले होश आ गया था। उनसे हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, तो मुँह से बोल नहीं पा रही थी, तो बार बार पेन 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 कर रहे, इशारा कर रहे थे कि लिखना है हमें। तो उनको हम कागजा पेन पेन ला कर दिए और वो वहाँ से लिखिए कि हमारे साथ ओ टी में गलत काम हुआ है। और ये भी कही है कि हम सबको पहचानते हैं, अगर सामने लाया जाए तो हम सबको पहचान भी सकते हैं, और उसके लिए उनका बोलना जरूरी है। अभी कैसी हालत है? अभी हालत बहुत क्रिटिकल है सर। अच्छा क्या बताएं, कितने लोग थे, क्या हुआ? 4-5 लोग थे सर, ये भी बता रहे हैं कि 4-5 लोग थे। मुझे ये कल रात में ये मामला संज्ञान में आया है, जो कि एक निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद बात है कि बिना किसी जांच किए हुए इस तरह से आरोप लगाना ये। और मैं हमेशा कहा कि आप हमारे पास तत्काल आते, जिस लेवल की जांच आप चाहते हम लेवल की जांच करा देते, क्योंकि मैं तो इसे जांच के लिए मैंने एक 5-सदस्यीय जांच कमेटी बना दिया है, जिसमें एक 3 लेडीज हैं, प्रोफेसर वत्सा मिश्रा हैं, डॉक्टर अर्चना कौर फोरेंसिक मेडिसिन, गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिता चौरसिया, मेडिसिन के एक डॉक्टर अरविंद गुप्ता और यहाँ का प्रमुख अधीक्षक, इतने लोग एक कमेटी बना दिया। इसके साथ साथ मैं कल ही सीएमओ के माध्यम से एक मेडिकल जांच भी करा दिया, क्योंकि मैं ज़रूर इस बात को चाहता हूँ, इस बात को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मामला क्या है। तो इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है, लेकिन पहले जांच हो जाए तब कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन मैं स्वयं कल से आज तक अभी मैं एक एक जगह गया, मैं ऊटी में देखा और एमए में स्वयं पूछताछ भी किया। पूछताछ में मुझे ये मालूम चला कि जो सर्जन की टीम थी जो ऑपरेशन कर रही थी, उसमें 4 उसमें से थे, उसमें 2 लेडीज डॉक्टर थी माने रेजिडेंट, और 2 मेल डॉक्टर थे वो जो ऑपरेशन किया था। इसके साथ जो एनेस्थेटिस की टीम थी, उस एनेस्थेटिस टीम में 2 लेडीज डॉक्टर थी, 1 स्टाफ नर्स थी। और वो ओटी, मैं अभी ओटी का स्वयं गया, देखा ओटी की स्थिति, तो वहाँ के बहुत बड़ा इतना ग्लास उसमें दरवाजे में बहुत बड़ा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा है कि, और यूजुअली वो ओटी जोन है, एक दरवाज़ा भी यूजुअली खुला रहता है और वो पूरा वहाँ एक है, पूरी तरह से दूर से दिखता है। और वो ट्रामा सेंटर में एक ओटी है, ट्रामा सेंटर वैसे भी काफ़ी लोग इस समय एडमिटेड है, क्योंकि हमारा नॉन कोविड एरिया 2-3 जगह चल रहा है, उसमें ट्रामा एक है जहाँ पर उस समय भीड़ी भी है। तो मेरे अनुसार देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसी बात नहीं है और ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इस तरह सोचना एक डॉक्टर्स के लिए भी ठीक नहीं है ऐसा, क्योंकि मरीज़ की कंडीशन, जो मैंने मरीज़ के बारे में पूछा तो मरीज़ सैटरडे को एक सीरियस कंडीशन में मरीज़ आया था, और बाद में उसको जांच की गई, सीटी स्कैन किया गया तो पता चला उसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, और TLC उसको बहुत इतना कम था कि 1400 ओनली उसको TLC था, हीमोग्लोबिन बहुत कम था। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि उसको एक दिन पहले उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने देखा कि अभी स्थिति नहीं है कि उनको ऑपरेशन किया जा सके, तब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया।